बिग बॉस के घर से दोस्तों बाहर आने के बाद ऐश्वर्या ने की बिग बॉस के घर में री एंट्री की बात। आप देखिए यह पूरा वीडियो कि ऐश्वर्या ने अपने फैंस के लिए और बिग बॉस से क्या कहा कि वो घर के अंदर वापस आएंगी और एक एक से बदला जरूर लेंगी। डिसीजन लेना है, बट ईशा जो कैप्टन बनी है, जिनको इतनी बड़ी पावर मिली थी और उस पावर का मिसयूज करके उन्होंने मुझे बाहर निकाला। बिल्कुल क्लियर था कि वो क्या कर रही थी अंदर। बिग बॉस बार बार हार्प कर रहे थे कि आपको रूल ब्रेकिंग के आधार पर करना है, और बिग बॉस द्वारा ये कह दिया गया था कि आपका दिल आपके दिमाग पर हावी हो रहा है, दिमाग के मकान में आप रहने लायक नहीं है। सो रिंकू जी ने भी क्लियरली कहा था कि ऐश्वर्या तुम्हारे लिए थ्रेट बन चुकी थी। उम्मीद नहीं थी उन लोगों से, स्पेशली अंकिता मुनव्वर, जिन्होंने भी कहा कि ये डिसीजन बहुत अनफेयर था। इफ आई गेट द चांस टू गो बैक, आई विल डेफिनेटली गो बैक और उन सबसे चुन चुन के बता लूंगी। आई रियली रिक्वेस्ट यू बिग बॉस, प्लीज कॉल मी बैक। बुरे वक्त में मैं उसके साथ खड़ी थी, अगर वो स्पेशल बॉन्ड भूल के वो इस चीज को और रूल ब्रेकिंग जो बिल्कुल था ही नहीं मेरी तरफ से उसने इस बेसिस पे डिसीजन लिया, तो आई वुड डेफिनेटली गो इफ आई गेट द चांस। एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल गाइस मुझे इतना सपोर्ट देने के लिए। वो तो मुझे बाहर आके पता चला कि मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा था। और अभी नील अंदर है तो ज्यादा से ज्यादा प्लीज नील को सपोर्ट करो। ऑनेस्ट इंसान, ऑनेस्ट कंटेस्टेंट इन द हाउस, इसको प्लीज सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू ऑल।